तुम खुश हो? किरण, उस शख्स का वजूद मुझे अपनी जिंदगी में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं है। सारी जिंदगी किस तरह गुजारूंगी? आतिर भाई के साथ। हेलो जी आतिर भाई। हेलो किरण, तंजीला तुम्हारे साथ है? जी। उसको जल्दी लेकर हॉस्पिटल पहुंचो। हॉस्पिटल में क्यों? सब खैर तो है ना? आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस तंजीला को लेकर जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। नौरीन ने अपने हाथ की वेन काट ली है, वो बेहोश हो गई थी, मैं उसे लेके हॉस्पिटल आया हूँ, तुम जल्दी आओ बस। क्या, नौरीन ने? ओह माय गॉड। खैर आप परेशान मत हो, हम हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। क्या हुआ नौरीन, कहाँ है वो, ठीक तो है? हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा, नौरीन ने अपने हाथ की वीन काट ली है, वो बेहोश है। क्या, नौरीन ने? चलो। लाल मिला। अम्मा नौरीन सुबह से घर से निकली हुई है, ना उसका आने का पता है ना जाने का पता है, कुछ नहीं बताती मुझे, और मेरा दिल इतना परेशान है कि लड़की कोई उल्टा सीधा कदम ही ना उठा ले, और तो और मतीन को पता चलेगा तो सारी बुराई मेरे सर आएगी। लेकिन गई कहाँ है, कुछ तो बताया होगा तुझे? अरे अम्मा बताती कहाँ है, वही तो बोले जा रही हूँ, मुझे तो डर लग रहा है कहीं आतिर के ऑफिस जाकर कोई नया तमाशा ना खड़ा कर दे। रोका नहीं तूने उसको? मेरी माँ मेरे कहने पे रुकती कब है, तुझे अच्छी तरह पता है, वो जिद की पूरी है अपनी, जो ठान लेती है करके रहती है, आवाजें देती रह गई, ये गई वो गई, हाय अल्लाह कहीं आतिर के ऑफिस ना चली जाए। जिद की तो सच मुझ तेरे पे गई है बिल्कुल। अब बात सुन, अगर आतिर के ऑफिस चली भी जाए तो अच्छी बात है ना, बार बार उसके दिमाग में एक ही बात डालेगी तो उसे भी समझ आ जाएगी, और वैसे भी उस मनहूस तन्नो की शादी में थोड़े दिन तो रह गए। हाँ माँ कहते तो ठीक ही रही है, लेकिन मेरा दिल पता नहीं क्यों घबरा रहा है, अगर मतीन को पता चल गया ना इस घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। परेशान ना हो, थोड़े दिन में आ जाएगी, उस दिन भी तो आ गई थी पता भी नहीं लगा था। बस तो इस वक्त सिर्फ दो कप चाय बना, सर दर्द से फटा जा रहा है, तू भी पी ले मुझे भी पिला, जा। ला रही हूँ। कैसी तबीयत है उसकी अब? Is she fine? She is absolutely fine. कट इतना गहरा नहीं था लेकिन ब्लीडिंग काफी हो चुकी है, मेरे ख्याल से उन्हें एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन ये इतना गहरा कट लगा कैसे उन्हें? वो डॉक्टर साहब दरअसल ये एक्सीडेंटल जख्म नहीं है, हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पुलिस? लेकिन ये तो मामूली सा जख्म है, आप खुद ही तो बता रहे हैं कल तक ठीक भी हो जाएगा। जख्म तो मामूली है लेकिन मुझे लगता है कि ये मर्डर या सुसाइड का केस है, इसलिए मजबूरी है। हेलो आतिर, कहाँ हो बेटा? मैं अभी दफ्तर आया तो पता चला कि कोई लड़की तुमसे मिलने आई थी, उसके पास जो खून बह रहा था तुम उसे लेके हॉस्पिटल गए हो, ये क्या तमाशा है? जी बाबा वो एक बहुत बड़ा मसला हो गया। क्या क्या मसला हो गया मुझे बताओ। बड़े मसले वाली बात है, क्या करें आजकल की नस्ल जज्बाती होकर ऐसी बेवकूफियां कर जाती है। अच्छा तुम आ रहो, मैं हॉस्पिटल फोन करता हूँ और पुलिस में भी किसी से बात करता हूँ ताकि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट इस केस में ना हो। बेचारे शरीफ लोग हैं, पहले ही हमारी वजह से बहुत तकलीफ उठाई उन्होंने, मजीद तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
मैं सारा अरेंजमेंट करके खुद भी वहां पहुंचू, तुम फिक्र ना करना। ठीक है जी बाबा, ठीक है, खुदा हाफिज। कैसी है नौरीन अब? कहाँ है वो? मुझे उसके पास ले चले। अब बेहतर है पहले से, लेकिन खून बहुत बह गया था इसीलिए उसको कल तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आपने उसे ऐसा क्या कह दिया जो उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? देखिए, अगर नौरीन को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। झूठ कह रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। यकीनन आपने उसे ऐसा कुछ ना कुछ कहा है जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया, जो वो ये सब करने पर मजबूर हो गई। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैं तुम्हें कह तो चुका हूँ कि ना मैंने ऐसा कुछ किया है, ना मैंने उसे ऐसा कुछ कहा है, पर तुम बार बार एक ही बात क्यों करती जा रही हो? वो पता नहीं क्यों ये सब कुछ करने पे तुली है। मैं कितनी बार उससे माफी मांग चुका हूँ। डॉक्टर पुलिस केस की बात कर रहा था, कह रहा था सुसाइड का केस लग रहा है। पुलिस केस? मामू जान को ये सब पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्लीज आप कुछ भी करें, ये बात पुलिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी बाबा से बात हो गई है, वो हैंडल कर लेंगे पुलिस को। हेलो, कौन? मुमानी, मैं तंजीला बात कर रही हूँ। तन्नो, कहाँ हो तुम और ये किसका नंबर है? मैं किरण के नंबर से बात कर रही हूँ और इस वक्त अस्पताल में। हॉस्पिटल? नाज गई, वहाँ क्या कर रही है वो? मुमानी, मैं यहाँ नौरीन के साथ हूँ। क्या, नौरीन के साथ? मैं मर गई, वो ठीक तो है ना? जी जी, नौरीन बिल्कुल ठीक है, आप हॉस्पिटल आ जाइए, मैं आपको सब बताती हूँ। लेकिन मुमानी, प्लीज मामू जान को कुछ मत बताइएगा, उनकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, मैं आती हूँ, लेकिन नौरीन तो ठीक है ना? नौरीन ठीक है, बस एक दिन हॉस्पिटल में गुजारना होगा, आप जल्दी से आ जाइए। क्या बकवास कर रही है तू, वो क्यों रहेगी हॉस्पिटल में? सच सच बता मुझे, मेरी बेटी तो ठीक है ना? मुमानी, नौरीन बिल्कुल ठीक है, बस छोटा सा जख्म है, आप जल्दी से आ जाइए हॉस्पिटल। फोन खोल के सुन लेता ना, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना, मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। अरे क्या हुआ रिहाना, मुझे तो बता, मेरा दिल दहले जा रहा है। अरे अम्मा, तन्नो महरूस का फोन था, नौरीन हॉस्पिटल में है। अल्लाह, मैं इसलिए कह रही थी, मेरा सुबह से दिल घबरा रहा है। अम्मा अम्मा, मैं अस्पताल जा रही हूँ। अरे रुक तो सही, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, अकेली कहाँ जाएगी? अरे नहीं अम्मा, तू घर पर ही रहे, बिलाल ने भी तो आना है ना, बच्चा है उसे भी तो देखना है ना, और तो और अम्मा मतीन आए ना, अल्लाह के वास्ते मतीन को कुछ नहीं बताना, संभाल लेना। क्या कह रही रेहाना, मतीन को किसी बात का पता ना चले, पूछेगा तो क्या कहूंगी, अम्मा बेटियां कहां भाग से उड़ गई। अम्मा कुछ भी बता देना, अम्मा वो कह देना कि हैदराबाद वाली खाले ना, उसका दामाद मर गया, मैं दोनों बच्चों को लेकर वहां गई हूँ, अम्मा संभाल लेना ना। अरे बात सुन, अकेले ना जाइयो, वो उसको कर ले फोन, सर्वर को साथ लेके जाना। अच्छा अच्छा कर लूंगी। हाय अल्लाह, पता नहीं खुदा जाने किसको मार के जाए। तन्नो, नौरीन कहाँ है? ठीक तो है ना मेरी बच्ची? मुमानी, नौरीन अब बेहतर है, इमरजेंसी में है, थोड़ी देर में वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। मुझे मेरी बच्ची के पास ले चलो, मुझे उसे देखना, उसे हुआ क्या है? मैं बताता हूँ, उसने खुदकशी करने की कोशिश की है। क्या? या यूं कह लें कि मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, अपनी कलाई की नस काट ली है।
ये तुम क्या कह रहे हो? कलाई काट ली उसने? मेरे ऑफिस में आके ये तमाशा किया है, ना अपनी इज्जत का ख्याल रखा ना हमारी। यही नौरीन को हॉस्पिटल लेकर आए हैं। नौरीन इन्हीं से मिलने ऑफिस गई थी और जज्बाती होकर ये कदम उठाया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि कट बहुत मामूली नौयत का था, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये अस्पताल तो बहुत महंगा है, ठीक ठाक बिल बनाएंगे, वो कौन देगा रहना वाली? आप लोग उसकी फिक्र बिल्कुल मत करें, वो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ये डॉक्टर्स पुलिस केस बना रहे थे, बाबा ने वो भी मैनेज कर लिया। आप प्लीज नौरीन को कुछ समझाएं, प्लीज कुछ समझा दें उसको। तन्नू मुझे नौरीन के पास ले चलो। उमानी इस वक्त तो नौरीन इमरजेंसी में है, आप आइए बैठिए, आइए। हद हो गई, मतलब बताते तो सही ना जाने के लिए, मैं भी शिरकत कर लेता जनाजे में। खुशी में ना सही, गम में तो अपनों के साथ खड़ा होना चाहिए आदमी को। बच्चियों को ले जाने की क्या जरूरत थी? हाँ वो भी यही कह रही थी रेहाना भी, मैंने मना कर दिया, मैंने सोचा कि बच्चियां हैं जरा घूम फिर आएंगी, शहर बदल जाएगा, हवा बदल जाएगी, खुश हो जाएंगी जरा। क्या हो गया आपको, क्या बात कर रही हैं आप? किसी के घर में मातम हो रहा है और आप कह रहे हैं बच्चियां घूम फिर के आ जाएंगी? बात करते कुछ ख्याल तो क्या करें। मतीन अहमद तुम तो बाल की खाल निकालने खड़े हो जाते हो और मुझसे तो बहुत ही बहस करते हो, कल वो आए ना तो उनसे पता कर लेना, बल्कि ऐसा करो अभी के अभी टेलीफोन लगाओ उनसे पता कर लो कि वो कहाँ है और क्यों है। दिमाग मत खा मेरा, जा। हाँ रेहाना बच्चियां कैसी हैं? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ और बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। कल तक हम लोग घर आ जाएंगे। जाने से पहले एक फोन तो कर देते ना। मतीन मैंने करना था फोन, बस वो जल्दी में भूल गई। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ओके अल्लाह हाफिज़। बात ही नहीं सुनते बुरी का। नौरीन मेरी बच्ची, खुदा ने तुम्हें एक बार फिर नई जिंदगी दी है, लेकिन तुमने क्यों किया ऐसे? तुम्हें अपनी माँ का जरा ख्याल नहीं आया? अरे तेरी माँ मर गई है क्या जो तू इतनी नाउमीद होकर अपनी जान देने चली थी? मेरा वादा है तुमसे, मैं एक न एक दिन तुम्हारी आदर से शादी करवा कर रखूंगी। लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो तो आइंदे ऐसी कोई बेवकूफाना हरकत नहीं करोगे। बाबा मैं इधर ही रुकूंगा, आप मामा को बता देना। अच्छा नाराज तो बहुत होगी, चलो समझा लूंगा। मैं यार आखिर मैं हैरान हूं कि ये लड़कियां लड़कों को ब्लैकमेल करने के लिए अपनी जान तक पे खेल सकती हैं, इस हद तक जा सकती हैं। इस सूरत हाल में हमें कानून का साथ देना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो मसला ही कुछ और है। हाँ वो पुलिस केस नहीं बनेगा, मैंने बंदोबस्त कर लिया, हालांकि एमएस को बहुत जोर दे रहा था। थैंक यू बाबा, पुलिस का सुन के तो ये लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। चलो सुबह मुलाकात होगी। बाबा वो मिलवाना था आपको किसी से? किससे? तंजीला से। तंजीला से? जी बाबा सारी बात खुल चुकी है, वो नौरीन की कजन है और इनके साथ ही रहती है, लेकिन वो बहुत अपसेट है इस सारे मामले को लेके, वो बहुत परेशान है। उसके घर वाले उसके साथ सलूक भी ठीक नहीं करते, लेकिन वो फिर भी बहुत प्यार करती है उन सबसे। कैसी बात, जिस हकीकत को छुपाने के लिए इन लोगों ने इतनी कोशिश की, बिल आखिर वो हकीकत खुली गई।
और खुली भी तो किस हाल में, ऊपर वाले की काम है, जैसा चाहता है जब चाहता है वैसे ही करता है। चलो मिलो अजय। हेलो जी जी, हाँ जी जी, चलो आ करनो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं यहीं रुकूंगी। अरे भाई तुम्हारा यहाँ क्या काम, वैसे भी ये बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ ज्यादा लोगों को मरीज के साथ रुकने नहीं देते। और रेहाना बाजी नौरीन के साथ अंदर हैं तो तुम्हारा यहाँ क्या काम। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, आओ। मैं नौरीन को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती, आपको अगर जाना है तो आप जाइए। अरे कुछ नहीं हुआ उसे, कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम खामखाम परेशान हो रही हो। और रेहाना बाजी हैं तो उसके साथ, उसकी माँ है। तुम चलो मेरे साथ घर, वैसे भी मुझे औरतों को रात को घर से बाहर रुकना ज्यादा पसंद नहीं है। मैं अपनी बहन को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। और एक बात, आपको क्या पसंद है क्या नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहन तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे वो तुम्हारी सगी बहन हो, ये मत भूलो उनका रवैया हमेशा से तुम्हारे साथ कैसा है। तुम कुछ भी समझो, वो तुम्हें घर में पड़ी फालतू चीज से ज्यादा कुछ नहीं समझते। वो मुझे क्या समझते हैं क्या नहीं इस बारे में आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारे घर का मामला है। आपको अगर रुकने में कोई प्रॉब्लम है तो घर जाइए। अरे यार तू नाराज हो रही हो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, वैसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तुम। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाता हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना। अरे भाई कुछ खा पी लो, सुबह से आई हुई है, रात हो रही है। अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ, जूस तो पिया ही ना। मैं बस अभी ला। जिस तरह तुम कहोगे मैं साबित करने को तैयार। आतिर को मुझसे शादी के लिए मना। और मैं ये नहीं मानता तंजीला कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। क्या सुनना चाहते हो, कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ? तो हाँ करती हूँ मैं आपसे मोहब्बत, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ।